हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं रेट सीटेट साइंस एग्जाम के टॉपिक सौरमंडल, जिसके टॉप 40 क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना भी रहती है। तो देखिए, वीडियो को चालू करते हैं। चालू करने से पहले कहूँगा लाइक कर दीजिए। लाइक के लिए इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स आपको, क्योंकि आपका लाइक देखकर ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। तो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होती है वह पाई जाती है ऑप्शन शोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या कोई नहीं। तो सही ऑप्शन अपना क्या होगा? समताप मंडल, यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वह सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा होता है? शोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा? अगर आप ए ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका सही ऑप्शन ए होगा, यानी कि शोभ मंडल जो है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, सूर्य का समीपस्थ ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, प्लेटो और वरुण। तो बताइए क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही ए ऑप्शन होगा, वह बिल्कुल सही होगा, बुध है समीपस्थ ग्रह सूर्य का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा होता है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह पूछ रहे हैं, बृहस्पति, मंगल, वरुण और शनि। तो चार ऑप्शन के आधार पर आप बताइए क्या सही होगा। अगर आप सी क्वेश्चन सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सी ऑप्शन वरुण सही होगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह होता है? शुक्र, शनि, बुध या प्लूटो। तो इनमें से कौन सा होगा? शुक्र ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो लाल ग्रह दिखाई देता है ए ऑप्शन अपना, यानी कि मंगल जो होता है वह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और यह लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ध्यान रखना, लाल क्यों दिखाई देता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होता है? बुध, शुक्र, शनि या बृहस्पति। तो सही ऑप्शन होगा अपना बृहस्पति, जो अधिक उपग्रह वाला ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, आकाश गंगा के यहाँ पर तारामंडल, मंदाकिनी, एरावत पथ या इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? वह होगा इसमें मंदाकिनी, यानी बी ऑप्शन जो होगा वह सही है। अगला क्वेश्चन फिर, भोर का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध। तो जो भोर का तारा होता है वह अपन कहते हैं इन चारों में से शुक्र को कहा जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो प्रोक्सीमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या साइरस। तो आकाश में सबसे जो चमकदार तारा है वह कौन सा है? साइरस है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा होता है? सोयूज, मेगलान, पाथफाइंडर या वाइजर फर्स्ट। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह होता है उसे कहते हैं अपन वाइजर फर्स्ट, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह माना गया है? मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो जो टाइटन होता है उसे अपन शनि ग्रह का उपग्रह मानते हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह किसे मानते हैं? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या मंगल। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह वह होता है चंद्रमा, और चंद्रमा पर पहला जो पर मानते हैं कि सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति आर्मस्ट्रांग गया था कब? 21 जुलाई 1969 को इन्होंने वहां पर कदम रखा था, ये भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। फिर अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है?
तो ऑप्शन 89, 74, 60 और 55। तो अंतरिक्ष में जो तारामंडल की संख्या है वह 89। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का तारा पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रोक्सीमा सेंचुरी, सेकंड नेबुला, थर्ड सेंटोरी और फोर्थ दे रखा है बर्नार्ड। तो सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है वह अपने प्रोक्सीमा सेंचुरी। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन 10%, 71%, 0.03% या 5%। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। सी ऑप्शन सही है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत देखिए, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत जो होती है वो होती है बहिर्मंडल। डी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय बताइए। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो ऑप्शन देखिए 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड या 8.3 मिनट। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में आने में जो समय लगता है वह होता है 1.3 सेकेंड, यानी जो बी ऑप्शन है वह सही है। लेकिन ध्यान रखना, जब अपने से पूछा जाए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, तो लगता है 8.3 मिनट, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय बताइए। 20 दिन, 27.3 दिन, 18 दिन और 25 घंटे। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में जो समय लगता है वह होता है 27.3 दिन। बी ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? शोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल। तो जो मौसमी घटनाएं होती है वह मुख्य रूप से होती है शोभ मंडल में। ए ऑप्शन सही होगा। और जरूरी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यानी मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं वह शोभ मंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, वायु है तो वायु क्या है? ठोस, द्रव, गैसीय मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो वायु को अपन क्या मानेंगे यहाँ पर? गैसों का एक मिश्रण मानेंगे। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है उसे अपन कहते हैं हाइड्रोजन। डी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो पराबैंगनी किरणों से जो रक्षा करती है वो होती है ओजोन गैस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी, शुक्र, शनि और मंगल। तो नीला जो ग्रह होता है वह इनमें से अपन मानते हैं पृथ्वी को। ए ऑप्शन है सही होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन शुक्र, बुध, शनि और बृहस्पति। तो इनमें से सही होगा अपने शुक्र, इसे पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह जहाँ वायुमंडल नहीं है? तो देखिए, पृथ्वी, मंगल, शनि वायुमंडल है, तो इनमें से कोई नहीं, जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून। तो सौर परिवार का जो सबसे ठंडा ग्रह है वह है नेपच्यून। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, 30 नंबर, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? वरुण, चंद्रमा, शुक्र और मंगल।
तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो शुक्र होता है वहां पर अपन मानते हैं कि जो ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, सी ऑप्शन सही होगा। तो ये तो थे 30 क्वेश्चन मोस्टली अब सौरमंडल से ही बनने वाले, अन्य जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया, केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, 89। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को कहते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, शुक्र और अरुण। निक्स ओलंपिया को ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की, कोपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है, हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, नॉर्वे में। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है, बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह होता है, वरुण। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, बुध व शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, इस पर जल की उपस्थिति होती है इसलिए। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च व 22 सितंबर। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई, 1781 ईस्वी में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण, अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी, 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, 27 दिन 8 घंटे में। ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक के प्रभाव किसका होता है, चंद्रमा का होता है। ज्वारभाटा किसके कारण आता है, सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्रण व आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है, चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, शनि ग्रह। यूरेनस की खोज किसने की, हर्सेल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण होता है, तो चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना सूर्य ग्रहण कहलाता है। फिर चंद्र ग्रहण का कारण, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को मानते हैं, शुक्र ग्रह को मानते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है, 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का क्या कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है, तो वह होता है
66 डिग्री अपने मानते हैं। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कोपरनिकस। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरेटोस्तनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना मानी गई है? मंगल ग्रह। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम, यानी कि 1.3 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में अपन मानते हैं लगभग 8 सेकंड का समय, 8.3 मिनट लगती है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगती है, जबकि सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8.3 मिनट लगती है, याद रखना जरूर से। तो ये थे मोस्टली सौरमंडल से बनने वाले क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।